फिफ्थ वीक ऑफ फ्रंटल कोर्स। इस वीक के लिए हमारा जो हमारे जो मेन टॉपिक्स है उसमें हमारे पास रेस्ट एपीआईस के साथ काम करना है और साथ में स्टैट मैनेजमेंट पे थोड़ा सा काम करना है। सो दिस इज द एजेंडा फॉर दिस वीक। सो स्टार्टिंग विद रेस्ट एपीआईस। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि रेस्ट एपीआईस हम क्यों यूज करते हैं और इसका हमारे पास एक्चुअल पर्पस क्या है। सही है। तो उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। लेट सपोज ये हमारे पास है जो आपका बैकएंड सर्वर है, एंड देन हम उठाते हैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन। सो दिस इज हमारा, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। सही है। तो होता क्या है कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिक्वेस्ट करता है डेटा का, ये हमारे पास है सर्वर। आप कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास सर्वर है, ये हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है। सही है। तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन क्या करता है, लेट सपोज हमारे पास बैकएंड के मल्टीपल ऑप्शन है कि बैकएंड हम क्या यूज करते हैं। एक तो हमने जो पिछले भी जो हम टॉपिक्स कवर किए थे वो थे फायरबेस के, तो वो हमारे पास जो सिस्टम बनते हैं वो सर्वरलेस सिस्टम होता है। सही है। मतलब हमने प्रॉपर सर्वर बनाना नहीं होता, ना हमने सर्वर मैनेज करना है, ना हमने जो है ना वो अपना डेटाबेस सेटअप करना होता है। सब कुछ हमारे पास रेडीमेड प्रोवाइडेड होता है फायरबेस के अंदर। सही है। लेट सपोज आपने कस्टम बैकएंड यूज करना है। बाय कस्टम बैकएंड आई मीन कि आपने कोई लेट सपोज MySQL डेटाबेस यूज करना है एज अ बैकएंड बैकएंड पे, और साथ में उसके लिए आपको चाहिए होता है वेब सर्वर। सही है। जिससे हमारे पास वेबसाइट्स होते हैं ना, वेबसाइट के लिए हम एक सर्वर बनाते हैं, वहां पर हमारा वेबसाइट होस्टेड होता है। सही है। तो उस वेबसाइट के बैकएंड के साथ अगर आपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं रेस्ट एपीआईस। हमारे पास और भी ऑप्शन है उसके लिए, बट वन ऑफ देम इज जो कि वाइडली यूज होता है वो हमारे पास है रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई में हम क्या करते हैं, ये जो सर्वर है, जो बैकएंड है, बैकएंड डेवलपर होता है वो हमें क्या करता है, वो हमें एक यूआरएल प्रोवाइड करता है। सही है। और वो यूआरएल, हम उस यूआरएल पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ से। सही है। यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, एंड ये जो सिस्टम है वो जो रिक्वेस्ट हमने किया है ये हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट होता है। सही है। ये हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट होता है। सो हम यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे, तो सर्वर हमें उसको रिस्पॉन्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ JSON फाइल। जो यहाँ पे HTTP सर्वर है, वेब सर्वर है, जो है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और लेट सपोज अगर हमें कोई डेटा होता है तो वो डेटा हमें प्रोवाइड कर देता है JSON फॉर्मेट में। ये हमें JSON फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड कर देता है। सही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये थोड़ा सा जो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इसके जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं REST APIs बोलते हैं। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है, लेट सपोज तो REST APIs का मकसद आपको पता चल गया। दूसरा पर्पज इसका ये है, लेट सपोज आपके पास दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। लेट सपोज अभी अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं, वेदर API जो है। सही है। हमारे पास एक API है जिसको हम बोलते हैं ओपन वेदर मैप। तो ये हमें क्या करता है, अब लेट सपोज ये पूरा एक सिस्टम है उनका। सही है। पूरा एक सिस्टम चल रहा है ओपन वेदर का, उनके पास वेदर फॉरकास्ट की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सही है। तो अगर किसी एप्लीकेशन को वेदर फॉरकास्ट का डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, वो REST APIs के थ्रू यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। सही है। और रिक्वेस्ट किस बेसिस पे जनरेट करता है, उसके साथ फिर API कीज वगैरह की बात है, तो वो API कीज हम प्रोवाइड करते हैं, एंड उसके साथ फिर लेट सपोज यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कर दूं कि ये काम किस तरह करेगा। लेट सपोज अब हमारे पास जो अब ये देखेंगे आपके पास एक URL है। सही है। इस URL पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट करते हैं। सही है। और ये जो बैकएंड है वेदर ओपन ओपन वेदर मैप का, तो ये हमें इस जो ये URL है, जो रिक्वेस्ट है, इस पे हमें रिस्पॉन्ड करता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। इसको मैं उठा के अगर आप यहाँ पे टाइप करें ना, और यहाँ पर लेट सपोज मैं सिटी नेम में पिशावर डाल दूँ। सही है। एंड यहाँ पर मैं एक API की डाल दूँ।
यहाँ पर मेरे पास कुछ एपीआई कीज हैं तो उसको मैं यूज करता हूँ। इस एपीआई की को मैं दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा। अब यहाँ पर सपोज मैं जब इंटर दबाता हूँ तो ये रिक्वेस्ट जाता है किस किस की तरफ, ओपन वेदर का जो सर्वर है उसकी तरफ जाता है, सही है। और रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट में क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट में लिखा हुआ है कि हमें पिशावर का वेदर चाहिए विद दिस एपीआई। अब एपीआई असल में हमारे पास होता है कि एपीआई की भी बोलते हैं इसको, एपीआई आईडी भी बोलते हैं। ये जस्ट ट्रैक करता है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये किसकी तरफ से आ रहा है, सही है। वो बंदा ऑथराइज्ड है इस डेटा को एक्सेस करने के लिए या नहीं है। सो दिस का जो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है। सो यहाँ पर हमने डेटाबेस पे एक रिक्वेस्ट जनरेट एक रिक्वेस्ट की है बैकएंड पे, ओपन वेदर का जो बैकएंड है, तो उसने हमें ये डेटा प्रोवाइड कर दिया है। अब इस डेटा में हमारे पास बहुत सारी मतलब वेदर की इंफॉर्मेशन है। ये देखें वेदर का जो अभी हमारे पास की डेटा किस फॉर्मेट में है, ये जेसॉन फॉर्मेट में है, सही है। अब ये देखें आईडी जो है ना 7701 है, मेन इसका मिस्ट है, मतलब अब आज अभी जो वेदर कंडीशन चल रही है ना वो मिस्ट टाइप वेदर है। पिशावर का जो वेदर है बहुत बादल भी बहुत सारे हैं एंड सर्दी भी बहुत है। एंड हियर द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर अभी ये हमें केल्विन में प्रोवाइड कर रहा है, फील्स लाइक दिस वन। तो मतलब जो हमारे पास वेदर के जो पैरामीटर्स हैं मोस्टली वो इसमें हमें ये प्रोवाइड करता है, ये जो बैकएंड है ये एपीआई। सो दिस इज अ रेस्ट एपीआई। अब अगर मुझे एक एप्लीकेशन के अंदर वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक एपीआई की बना के उसको मैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकता हूँ रेस्ट एपीआई के थ्रू, सही है। तो मतलब रेस्ट एपीआई हमारे पास दो डिफरेंट सिस्टम्स को भी कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। एपीआई हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सही है। लेट्स सपोज आपके पास दो डिफरेंट एप्लीकेशन दो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में चल रहे हैं, सही है, और उनकी आपने आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो उसके लिए जो हम सिस्टम जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम एपीआई बोलते हैं, सही है। तो एपीआई हमारे पास यही, अब रेस्ट एपीआई है तो उसमें यही हमारे पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है। ये देखें हमने ये यूआरएल मतलब यूआरएल एंटर किया है तो उसके पास एक रिक्वेस्ट चली गई है, सही है। अब उसने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया है इस जेसॉन फॉर्मेट में डेटा देकर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सही है। अब इस पर्पस के लिए REST APIs को टेस्ट करने के लिए या REST APIs का डेटा देखने के लिए हम हर टाइम ब्राउजर में नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्राउजर में जेसॉन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, तो ये जो डेटा है इसको लेट सपोज यहाँ पर मैं जो HTTP रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना इसको मैं ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से फिर हम इसके लिए REST APIs को टेस्ट करने के लिए उसको देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन, सही है। अब ये हमारे पास पोस्टमैन है, इसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हैं जिस तरह भी मैं उसको यहाँ पे यूज करूंगा, सही है। तो पोस्टमैन हमारे पास क्या है, पोस्टमैन हमारे पास एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कि एपीआई जो मैंने बनाई है, जो बैकएंड डेवलपर्स हैं वो एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर भी लेट सपोज अगर आपको मैं लेट सपोज मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं काम कर रहे हैं, तो ये जो REST APIs हैं ये बैकएंड डेवलपर का काम होता है, वो बनाता है उसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करके और फिर ये REST APIs जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको देता है और वो इन REST APIs को इंटीग्रेट करता है एप्लीकेशन के अंदर, सही है। सो लेट सपोज इसने मुझे REST APIs प्रोवाइड किए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये URL है ना, यहाँ से हम अब हमारे पास जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, सही है। उसमें जो मेन है जो मेन हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा वो गेट है, पोस्ट है, पुट है एंड डिलीट है। अब गेट हमारे पास किस लिए यूज होता है, गेट हमारे पास लेट सपोज अगर मुझे किसी सर्वर से डेटा चाहिए, मैं गेट करना चाहता हूँ डेटा, तो उसके लिए मैं गेट रिक्वेस्ट यूज हम गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, सही है। अगर मैंने डेटा पोस्ट करना है मतलब मैंने डेटा सेंड करना है किसी सर्वर पे तो उसके लिए हम पोस्ट यूज करते हैं। पुट हम यूज करते हैं मोस्टली, पोस्ट एंड पुट का तकरीबन तकरीबन अगर आप कहना है तो सेम है, बट पुट हमारे पास मोस्टली जब हमने अपडेट करना होता है तो उसके लिए हम पुट यूज करते हैं, सही है। एंड अगर हमने कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सेंड करना है तो उसके लिए भी हम पुट यूज कर सकते हैं। जो जिन्होंने वेब में काम किया हुआ है उनको HTTP रिक्वेस्ट का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बैकएंड के साथ जिन्होंने काम किया है तो। एंड फिर हमारे पास डिलीट का जो रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस से डेटा डिलीट करने के लिए यूज होता है, सही। अब मैं आता हूँ यहाँ पर दोबारा से जो ओपन वेदर मैप है इसके APIs हम देखते हैं कि इसमें हमें ये कौन कौन से APIs प्रोवाइड करते हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, सही है। इसके बाद हम अपने छोटे से एक दो APIs बनाएंगे मॉक APIs और उसे डेटा लेके हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे उसको। सो ये हमें ये क्या क्या कह रहा है कि अगर आपको वेदर का डेटा चाहिए, अब ये जो सारे सारी डॉक्यूमेंटेशन है ना ये बैकएंड डेवलपर ने की है ऑलरेडी, सही है। तो वो REST APIs उसने बना के आपको प्रोवाइड किए हुए हैं।
फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या है इन रस्ट एपीआईस को इम्प्लीमेंट करना, और हमने अभी इस सेशन में यही काम सीखना है कि हम रस्ट एपीआईस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एप्लीकेशंस के अंदर। सो ये एपीआई कॉल है एंड यहां पर एक मिनट, अब ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये यहाँ पर सारे इसके पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद है, सही है। क्यू क्यू में हम क्या दे सकते हैं, ये देखें जितने भी पैरामीटर्स हैं, अब इससे आगे जितने भी हैं ना ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। क्यू मतलब ये जो ये साइन लगा होता है ना, इसके आगे हमारे पास क्वेरी होती है, उसके बाद हम आगे क्वेरी लगाते हैं। मतलब हमने लेट सपोज सिटी का नाम लिखा हुआ है एंड देन हमने एफ आई डी लगाई हुई है, सो दिस इज समथिंग लाइक क्वेरी। इसकी तरफ आपको जाने की जरा जरूरत है भी नहीं, बट एनी हाउ समझाने के लिए आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारे पास अब एक REST API है। इस REST API को मैं टेस्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपने एप्लीकेशन नहीं बल्कि पोस्टमैन के अंदर मैं इसको टेस्ट करता हूँ। अब ये हमारे पास एक REST API है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने क्यों की जगह पिशावर का नाम डाला हुआ है। अगर आपने सपोज लंदन का वेदर देखना है तो आप यहाँ पे लंदन डाल दें एंड यहाँ पर अपनी API की जो है ना वो डाल दें। अब यहाँ से मैं जैसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें ये डाटा मुझे बैकएंड ने वापस एज अ रिस्पॉन्स सेंड किया हुआ है, उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये लंदन के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये लंदन का वेदर है। मेन हमारे पास क्या है, क्लाउड है, डिस्क्रिप्शन ब्रोकन क्लाउड, सही, एंड देन हमारे पास टेम्परेचर है, इसमें फील्स लाइक मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें हमें ये अब ये एपीआई प्रोवाइड कर रही है, सही है। लेट सपोज कुछ और एपीआई है तो वो आपको कुछ और डाटा प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो तो अब ये हमारे पास एक REST API थी और उससे हमने डाटा ये लिया हुआ है, सही है। बट ये हमें कौन सा वो प्रोवाइड कर रहा था, ये हम यहाँ पे कौन सा रिक्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम एक गेट रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं की, सही है। सो पोस्ट रिक्वेस्ट हम यूज करते हैं डेटा पोस्ट करने के लिए, जिस तरह हमने अगर आपको याद हो हमने जो पिछले वीक किया था उसमें फायरबेस के सेक्शन में हमने कुछ डेटा पोस्ट किया था, कहाँ पर फायरबेस का जो बैकएंड है वहां पर हमने डेटा पोस्ट किया था, सही है। अब फायरबेस बैकएंड कैसे काम करता है, फायरबेस एक्चुअली फायरबेस के पीछे भी यही सेम REST APIs इंप्लीमेंटेड होती है, सही है, बट वो हमें नजर नहीं आती, वो आप इस वो इनकैप्सुलेटेड होती है, मतलब उसके ऊपर एक और लेयर प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, सही है। कि हम वहाँ पे लिखते हैं कि यार डेटाबेस सर्विस डॉट कलेक्शन एंड कलेक्शन के अंदर हम कलेक्शन नेम डालते हैं, उसके बाद हम आईडी डालते हैं, तो इन सारी चीजों के पीछे भी वो सेम इम्प्लीमेंटेशन है यही REST APIs वगैरह की, तकरीबन यही सेम इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो वो जो REST APIs का जो पूरा प्रोसेस है ना वो ऑटोमेटिकली जो फायरबेस का प्लगइन है वो खुद हैंडल करता है, फायरबेस फायरस्टोर का, सही है। तो अब यहाँ पर जो कस्टम बैकएंड के साथ काम करना है तो वो हमने यहाँ पर अभी सीखना है। आई होप सो कि दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो ये हमारे पास एक गेट रिक्वेस्ट हमने एक एपीआई पे किया है और उसने हमें एपीआई ने हमें ये डाटा जेसॉन फॉर्मेट में प्रोवाइड किया हुआ है, सही है। अच्छा, अब टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है mockapi.io के नाम से, सही है। तो mockapi.io पे जाके आप अपना एक REST API बना सकते हैं टेस्टिंग के लिए, सही है, दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक मॉक एपीआई बनाई हुई है, सही है। ये मॉक एपीआई क्या काम करेगी, ये मॉक एपीआई हमें मुझे मैं अगर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये डाटा मुझे प्रोवाइड करेगी, ये डाटा मुझे ये एपीआई प्रोवाइड करेगी, सही है। अब इस एपीआई का यूआरएल हमारे पास ये है एंड उसके बाद उसने क्या डाला हुआ है, एंड पॉइंट डाला हुआ है। एंड पॉइंट में देख सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से एंड पॉइंट अवेलेबल हैं, ये देखेंगे हमारे पास स्लैश टेस्ट एपीआई एंड देन स्लैश टेस्ट एपीआई, मतलब यहाँ पे मैं सारे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गेट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ एंड देन स्पेसिफिक अदर गेट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ अगर आपने एक स्पेसिफिक फील्ड उड़ाना है डेटा, एंड देन मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पर एंड देन पुट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ एंड देन डिलीट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पर। लेट सपोज हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा कितना है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है ना वो 22 है ना, उसकी 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 जो अमाउंट है वो हमारे पास 22 है। अब मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ इसी सेम एपीआई पे,
ये एंड स्लैश के बाद हमने क्या करना है? स्लैश के बाद हमने करना व्हाट? एडिट। मैं इसको आईडी प्रोवाइड करता हूँ, वन आईडी, वन। तो इसने, सॉरी, मैंने ये गेट रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट नहीं करके डिलीट रिक्वेस्ट करना था ना, तो मैं डिलीट रिक्वेस्ट करता हूँ। उसने मेरे ख्याल में वहां से एक 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 डेटा डिलीट कर दिया है। इसको हम दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। बट ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास 22 थे ना, तो मैंने एक डिलीट रिक्वेस्ट की थी यहाँ से। अब मैं एडिट डेटा देखूंगा ना, तो एडिट नहीं बल्कि जो डेटा का सेक्शन है, इसमें हमारे पास आईडी वन जो थी ना, वो मतलब डिलीट हो गई है यहाँ से। सो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ओके, आप लोगों को समझाने के लिए ना थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसमें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब हमारे पास लेट सपोज डिलीट का जो रिक्वेस्ट है ना, उसमें हमने उसको आईडी प्रोवाइड की है, सही है? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास उनको और कौन कौन से एपीआई अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जितने बेसिक रिक्वेस्ट है ना, वो मैं इस एपीआई पे करता हूँ, सही है? हम देखते हैं इसका एडिट। यहाँ पर मेरे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। मैं डेटा यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, सही है? अब हमारे पास जो पोस्ट का रिक्वेस्ट है ना, वो डेटा सेंड करने के लिए हमारे पास यूज होगा। अभी आप लोग देखें यहाँ पर मेरे पास डेटा कितना है, 21 है, सही है? मतलब 21 फील्ड्स हैं राइट नाउ इसमें, टू से लेकर आईडी नंबर 2 से लेकर आईडी नंबर 22 तक, ये टोटल 21 फील्ड्स बनते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 21 फील्ड्स हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं गेट रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखें, अभी ये मेरे पास कौन सा रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ से करता हूँ गेट रिक्वेस्ट, सही है? गेट, एंड ये हमारे पास वो बेस यूआरएल है, एंड इसके बाद मैंने एंड पॉइंट डाल दिया है यहाँ पर। मतलब ये अब आपके पास एक सिंगल यूआरएल बन जाता है ना, एंड देन यहाँ से मैं डेटा सेंड करता हूँ जेसॉन फॉर्मेट में, सही है? हम जो डेटा सेंड करते हैं ना, वो भी जेसॉन फॉर्मेट में ही होता है। अब यहाँ पर मैं इसके फील्ड देखता हूँ कि इसके फील्ड कौन कौन से हैं। एक हमारे पास, एक मिनट, ये है, इसी को मैं दोबारा वहां पे चेंज कर दूंगा। इसको मैं करता हूँ 23, इसको मैं करता हूँ नेम नंबर 23 एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ 23। अब मैं सेंड करता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। सॉरी, मैंने गेट रिक्वेस्ट किया गलती से, गेट नहीं, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करना था। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जब मैंने किया है, तो उसने 22 नंबर वहां पर एड कर दिया है। अब हम यहाँ पर आके देखते हैं। अब ये देखिए 21 है, लेकिन इसको जब रीलोड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, क्योंकि वहां से मैंने एक और डेटा यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। अब अगर हम उसको देखना चाहें, ये देखें यहाँ पर, ये 23 नंबर पे हमने एक डेटा पोस्ट किया हुआ है, सही है? अब और देखें, यहाँ पर हमारे पास वन आईडी वन नहीं है ना, तो लेट सपोज मैं अगर डेटा पोस्ट करता हूँ यहाँ से दोबारा से, मैं इसको करता हूँ लेट सपोज आईडी वन पे डेटा पोस्ट करता हूँ वन, एंड इसको भी वन कर देते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से डेटा पोस्ट करता हूँ ना, अच्छा, उसने 24 पे पोस्ट कर दिया है। अब यहाँ से जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो 20, वो एक और डेटा ऐड कर देते हैं वहां पे, सही है? बट आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि हम मतलब वहां से डेटा नया यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, सही है? होता ये है कि आप जो डेटा यहाँ से पोस्ट करते हैं ना, तो वही सेम डेटा डेटाबेस के अंदर जाता है, सही है? अब इस डेटा को हैंडल करना है, इस डेटा को कैसे हैंडल करना है, वो काम होता है बैकएंड डेवलपर का, सही है? वो हमारा काम नहीं है फ्रेंड, फ्रंट एंड डेवलपर, वो हमारा काम नहीं है, सही है? वो हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा कि भाई आपने मुझे इस फॉर्मेट में, भाई या बहन आपने मुझे इस फॉर्मेट में डेटा सेंड करना है, सही है? तो हम उस फॉर्मेट में उसको डेटा सेंड कर देते हैं एक खास यूआरएल पे, सही है? पोस्ट रिक्वेस्ट हमें कर लेते हैं, तो वो डेटा बाकी वो उसका काम है उसको हैंडल करना, सही? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये थोड़ा सा जो है ना रेस्ट एपीआई के बारे में जो बेसिक डिस्कशन थी वो थी। इसके अलावा हम यहाँ से गेट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे मुझे डेटा चाहिए सारा, तो मेरे ख्याल में यही सेम यूआरएल बनता है वहां पर भी, तो ये
ये देखें इसने मुझे जो रिटर्न किया ना, जितना डेटा वहां पर मौजूद है वो सारा इसने मुझे रिटर्न कर दिया है, ये देखें सही है। एक्चुअल हमारे पास जो एक्चुअल बैकएंड बैकएंड होता है वो इस तरह नहीं होता, बट दिस इज अ मॉक थिंग, मॉक एनवायरनमेंट है ये हमारे पास, सही है, इसमें हम टेस्टिंग कर सकते हैं। सही, लेट सपोज अगर आपने एप्लीकेशन बनाना है जिसका बैकएंड अभी तक रेडी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप एक मॉक एनवायरनमेंट बना के उसी को इंप्लीमेंट करें, तो आप यहां से उसको कर सकते हैं। आई थिंक REST APIs का की जो डिस्कशन थी वो काफी सारी हो गई है, अब हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ और वहां पे रियल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सही है, अब अगर आप लोग देख लें यहाँ पर जो हमारे पास एप्लीकेशन चल रही थी, इसको मैं करता हूँ टेस्ट, ओके सो हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं। अब ये डेटा हमारे पास पहले आ रहा था फायरबेस बैकएंड की तरफ से, सही है, ये डेटा हमारा फायरबेस बैकएंड बैकएंड से आ रहा है, सही है। अब हम ये करते हैं कि ये डेटा हम फायरबेस बैकएंड की बजाय हम यहाँ से एक REST API यहाँ पे कुछ डेटा बनाते हैं और उनसे हम ये डेटा उठाते हैं, सही है। इसको मैं फॉर टाइमिंग रीड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक और वो बनाता हूँ, एक और रिसोर्स बनाते हैं हम, उसको मैं नाम देता हूँ म्यूजियम्स, म्यूजियम्स एंड क्रिएट, सही है। अब म्यूजियम्स हमने क्रिएट कर दिया है, इसमें फील्ड्स कौन कौन से होंगे, इसमें हमारे पास एक है आईडी एंड क्रिएटेड डेट रिमूव कर देंगे, ये भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर हम दोबारा से फील्ड्स डालते हैं, सही है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर बैकएंड में कौन कौन सी फील्ड्स थी, या हम यहाँ पर देख लेते हैं डेटाबेस सर्विस म्यूजियम है ना, तो म्यूजियम के फील्ड देते हैं, टाइटल एड्रेस एंड इमेज यूआरएल, सही है। टाइटल वो हमारे पास स्ट्रिंग है, एड्रेस भी हमारे पास AWS एड्रेस भी हमारे पास स्ट्रिंग है, एंड इमेज यूआरएल भी हमारे पास स्ट्रिंग है, सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा जनरेट करते हैं, लेट सपोज मैं 9 म्यूजियम हमने जनरेट कर दिए हैं, सॉरी 10 म्यूजियम तक जो डेटा हमने जनरेट कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, ये हमें एक आईडी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में टाइटल एड्रेस एंड इमेज यूआरएल, सो ये डेटा अभी यहाँ से हमारे पास रिटर्न होगा। ये म्यूजियम्स का डेटा, लेट सपोज आप समझ लें कि ये हमारे पास म्यूजियम्स का डेटा है, सही है। अब हमारे पास ये हमारे पास एंड ये हमारे पास मतलब मेन यूआरएल है, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट अपेंड करेंगे, यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, हम अपेंड करेंगे, बट हमने कौन सा अपेंड करना है यहाँ पर वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें, अगर आपने जस्ट म्यूजियम्स का डाटा लेना है तो आप यहाँ पे /म्यूजियम्स लगा दें उसके आगे, सही है, और गेट रिक्वेस्ट करेंगे ना तो आपके पास जो म्यूजियम्स का डाटा है वो आ जाएगा, सही है। अगर आपने एक स्पेसिफिक आईडी उठानी है म्यूजियम्स की, तो वो लगा के आपने स्लैश के बाद उसकी आईडी लगा दें, तो आईडी लगाने के बाद आपके पास उसका डाटा आ जाएगा। एंड सेम फॉर म्यूजियम, अगर आपने म्यूजियम का डाटा पोस्ट करना है या आपने किसी स्पेसिफिक म्यूजियम को अपडेट कर, तो उसके लिए हम पुट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। अगर आपने डिलीट करना है एक स्पेसिफिक म्यूजियम्स को, तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर हमने डेटाबेस एक सर्विस बनाई थी, डेटाबेस सर्विसेज की एक फाइल बनाई है, सही है। हम क्या करते हैं, ये डेटाबेस सर्विस है ना, इसको मैं कर देता हूँ डेटाबेस सर्विस के बजाय इसको मैं कर देता हूँ फायरबेस डेटाबेस सर्विस नाम दे देता हूँ उसको, मैं फायरबेस डेटाबेस सर्विस, मतलब ये फायरबेस डेटाबेस का सर्विस है, सही है। एंड इसको भी मैं कर देता हूँ फायरबेस डेटाबेस सर्विस, Firebase database service, and then इसी को मैं copy paste करके इसको मैं कर देता हूँ custom database services,
सही है, मतलब हमारे पास जो कस्टम डेटाबेस है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसको मैं चेंज करके इसको मैं यहाँ से कस्टम डेटाबेस सर्विस, कस्टम डेटाबेस सर्विसेज। अच्छा अब म्यूजियम्स को हम यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, इसको भी हम राइट नाउ ऐड नहीं करते हैं, सही है। एंड इसको भी फॉर टाइम बीइंग इसको भी हम यूज करेंगे नहीं, सही है। अच्छा अब हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर आपने कोई HTTP रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, HTTP के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है, सही है। लेट्स सपोज हमें सर्च करना है ना HTTP प्लगइन्स फॉर फ्लटर, तो आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, सही है। अगर आपने HTTP के लिए पैकेजेस एंड प्लगइन्स, आप ये काम करें ना, अगर डायो पे चले जाना, सॉरी डायो नहीं, पॉप डॉट डेव पे चले जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTTP रिक्वेस्ट के लिए मुझे अगर डाटा चाहिए ना, तो HTTP के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है, HTTP और जीरो और मतलब बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, वन वन ऑफ देम इज HTTP, सही है। ये भी हमारे पास एक प्लगइन है, इस प्लगइन का काम क्या है, द इजीएस्ट वे टू लूज दिस लेवल सिलेक्टेड टॉप लेवल फंक्शंस, मतलब हमने अगर लेट सपोज किसी कस्टम डेटा बैकएंड से पे कुछ डेटा रिक्वेस्ट करना है, मतलब वहां पे डेटा पोस्ट करना है या डेटा गेट करना है, जिस तरह हमने यहाँ पर पोस्टमैन में किया है ना, तो वो सेम काम हम यहाँ पे इस प्लगइन से ले सकते हैं। बट वन ऑफ देम इज हमारे पास एक और प्लगइन है, इसको हम बोलते हैं डायो। डायो इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्लगइन, सही है। सॉरी सॉरी फॉर अ स्मॉल इंटरप्शन। सो हमारे पास डायो, हमारे पास क्या है, डायो बी अ पावरफुल HTTP क्लाइंट फॉर डार्ट विच सपोर्ट इंटरसेप्ट रिस्पॉन्ड डेटा रिक्वेस्ट कैंसिलेशन एंड काफी सारी चीजें जो है ना ये हम इसमें यूज कर सकते हैं, सही है। तो ये भी हमारे पास एक HTTP क्लाइंट ही है डायो, मतलब एक प्लगइन है जिसको हम HTTP रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, और दिस इज वन ऑफ द रिकमेंडेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड प्लगइन जो कि हम यूज करते हैं उसमें डार्ट में एंड फ्लटर में, सही है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लगइन को उठा के इसको हम यहाँ पे अपने उसके अंदर डालते हैं सिस्टम ऑब्जेक्ट डॉट यामल में, इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर एंड देन पॉप गेट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डायो का जो है ना हम एक वो बनाएंगे, डायो डायो इक्वल्स टू डायो, डायो इंपोर्ट कर दिया हमने यहाँ पर, सही है। अब डायो में हम क्या करेंगे, डायो में हमने जस्ट एक रिक्वेस्ट करनी है यहाँ पर, सही है। अभी हमने यहाँ पर एक बनाना है अपना यूआरएल, यहाँ पे हम दो यूआरएल्स बनाएंगे, स्ट्रिंग बेस यूआरएल, एंड उसमें हम क्या डाल देंगे, उसमें हम हमारा जो ये जो यहाँ पर बेस यूआरएल है ना ये हम डाल देंगे उसमें, सॉरी हमने मॉक एपीआई यूज करना है तो ये हमारा बेस यूआरएल हो जाएगा, सही है। और इससे आगे हमने एंड पॉइंट लगाना है, तो दिस इज बेस यूआरएल, सही है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट हमारे पास डिफरेंट होंगे, सही है। एंड पॉइंट इक्वल्स टू, अब अगर हमने म्यूजियम का डेटा गेट करना है तो उसके लिए हमारे पास एंड पॉइंट कौन सा है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपने डेटा गेट करना है ना, गेट रिक्वेस्ट करनी है म्यूजियम्स के लिए, सही है, तो ये एंड पॉइंट उसके लिए यूज होगा। सो ये एंड पॉइंट हमारे पास उसके लिए यूज होगा, यहाँ से हम निकाल देते हैं। अब हमारे पास जो हम जो फाइनल यूआरएल होता है, लेट सपोज अभी हमने डेटा गेट करना है ना, तो डायो डायो जो हमारे पास है डायो डॉट गेट, अगर हमने गेट रिक्वेस्ट करनी है ना तो यहाँ पे हम पाथ देंगे, सही है। मतलब पाथ हमारे पास, पाथ का मतलब है कि हमने ये पूरी पाथ देनी है उसको, सही है। तो ये पूरा पाथ, इस पूरे पाथ में क्या है कि हमारे पास यहाँ तक, यहाँ से लेकर
यहाँ तक हमारे पास जो है ना वो बेस यूआरएल है, और ये जो आखिरी का सेक्शन ये हमारे पास एंड पॉइंट है, तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास वो पूरा एक पाथ बन जाता है, सही है। तो हमारे पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बेस यूआरएल है, एंड उसके बाद हमारे पास फिर है एंड पॉइंट। सो ये इसका जो है ना मेन वो प्रॉपर तरीका है डेटा गेट करने का, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जेसन डेटा हमारे पास किस फॉर्मेट में आ जाएगा, यहाँ पर लेट सपोज अगर आपने एक उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेट सपोज आपने एक एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है तो आप उस एपीआई को उठा के उसको यहाँ पर टेस्ट करें, उसको देखेंगे उसका आउटपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है, सही है। तो अब म्यूजियम्स का डाटा है ना, तो म्यूजियम्स का डाटा हमारा हम देखते हैं कि म्यूजियम्स मैं अगर रिक्वेस्ट करता हूँ डेटाबेस पे तो मुझे क्या डेटा प्रोवाइड कर दिए, देखें तो मुझे डेटा इस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास एक अरे प्रोवाइड करता है, अरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज एन अरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स, और इसमें क्या क्या है, इसमें टाइटल है, एड्रेस है, इमेज यूआरएल है। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जेसन अरे आ जाएगा, सही है। एंड जेसन अरे को हम इटरेट करके इससे हम अपना वो सारा डेटा निकाल सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, इससे हम ये निकाल के हम ये क्या कर सकते हैं, जेसॉन अरे डॉट फॉर ईच, सही है। अब जेसॉन हमारे पास एक्चुअली एक लिस्ट है तो इसको हम लिस्ट कर देते हैं, सही है। हाँ सॉरी, हमने यहाँ पे गलती की है, ये एक्चुअली हमें रिस्पॉन्स देगा, सही है। ये हमें रिटर्न करेगा एक रिस्पॉन्स, सही है। और उसका फॉर्मेट क्या होगा, रिस्पॉन्स, सही है। अगर हमने रिस्पॉन्स से फिर वो डेटा निकालना है ना, तो वो हमारे पास होता लेट सपोज जैसा ऑन अरे है ना, तो फाइनल लिस्ट जेसॉन अरे है ना, तो वो हमारे पास किस में आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में, सही। अच्छा यहाँ पर हमने अब ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स में अब क्या होता है, सही है। इस रिस्पॉन्स में हमारे पास होता है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, सही है। अगर ये स्टेटस कोड आपके पास अगर 200 के बराबर है, अगर ये स्टेटस कोड 200 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये सक्सेस है, सही है। हर एक रिक्वेस्ट जब हम करते हैं ना तो वो हमें एक स्टेटस कोड प्रोवाइड करता है, स्टेटस कोड हमें ये शो, ये देखें अब ये जो रिक्वेस्ट मैंने की थी ना, तो ये इसका स्टेटस कोड क्या था, 200, 200 जो स्टेटस कोड होता है मतलब वो ओके ओके होता है। अगर आपने देखना है कि डिफरेंट स्टेटस कोड्स क्या है एच टी टी पी के, रेस्ट ए पी आई के लिए, एच टी टी पी स्टेटस कोड्स अक्सर आपको आता है ना एरर 404, तो वो सारे जो है ना यहाँ पे वो हर एक जो कोड है ना उसका एक खास पर्पज है। अब ये देखिए हमारे पास 100 जो है ना उसका अलग पर्पज है, 1101 का जो है ना हमारे पास अलग पर्पज है, 200 हमारे पास ओके है, 201 जो है ना उसका अलग है। ये देखें ये सारे हमारे पास मल्टीपल स्टेटस कोड्स हैं। अब देखें 404 का क्या मतलब है कि नट फाउंड, मतलब डेटा जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो नट फाउंड है, या जो आप पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो नट फाउंड है, सही है। सो हमारे पास ये देखें बेड रिक्वेस्ट 400, तो हर एक स्टेटस कोड का अपना एक पर्पज होता है कि यार मतलब ये जो रिक्वेस्ट मैंने की है ये सक्सेसफुल हुआ है या अनसक्सेसफुल हुआ है, सही है। सो हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे कि एफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200, तो मतलब हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल है, दिस इज इक्वल टू सॉरी, तो वो रिक्वेस्ट जो है ना वो हमारे पास सक्सेसफुल है। तो उसके बाद हम जो डेटा है वो जेसॉन आरे में डाल देंगे, एंड जेसॉन आरे को हम इटरेट करते हैं, सही है। अब हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट है ना, सिंगल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, यही सेम जेसॉन का ऑब्जेक्ट होगा, जिसका टाइटल जिसका जिसकी हमारे पास कीज जो है ना, ये टाइटल है, एड्रेस है, इमेज यूआरएल है, जो कि हमारे पास जो फायरबेस के सेक्शन में भी मतलब सेम था। तो हमने जो यहाँ पर डाला हुआ है कि यार म्यूजियम डॉट फ्रॉम जेसॉन, तो उसमें वही टाइटल देख रहा है, वही एड्रेस देख रहा है, वही इमेज यूआरएल देख रहा है, तो ये हमें सेम फॉर्मेट में दोबारा से वो जो म्यूजियम है वो ऑब्जेक्ट बना के वो हमें प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज जेसॉन अरे एंड दिस इज दिस वन,
ओके सॉरी, सो नाउ इट इज ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास वो डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, एंड देन उस डेटा को हम एक म्यूजियम्स के लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से हम वो म्यूजियम्स का जो लिस्ट है वो वापस डेटाबेस को वापस दोबारा से दे रहे हैं। एंड बाकी जो दूसरे रिक्वेस्ट हैं वो हम फॉर टाइमिंग नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जहाँ पर ये यूज किया हुआ है, स्प्लैश स्क्रीन नहीं था हमारे पास, जो होम स्क्रीन था, होम स्क्रीन पे हमने डेटा यूज किया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, गेट डेटा ना, गेट डेटा का फंक्शन जो है हमने कहाँ पे कॉल किया हुआ है ये। सो डेटाबेस सर्विसेज की बजाय हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस सर्विसेज है ना, तो ये डीबी सर्विस, यहाँ पे एक इसको हम बनाते हैं, इसको हम रीनेम करते हैं फायरबेस डेटाबेस सर्विस। फायरबेस डेटाबेस सर्विस, एंड यहाँ पे हम एक और बनाते हैं कस्टम कस्टम डीबी सर्विस, एंड इसको मैं कर देता हूँ कस्टम डेटाबेस सर्विस, इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। सही, और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करने के बजाय यहाँ पर हमने डेटाबेस से डेटा लिया था ना, वो टाइमिंग इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मतलब कि ये डेटा राइट नाउ नहीं आया, एंड फॉर टाइमिंग हम जस्ट म्यूजियम के डेटा पे फोकस करते हैं, कस्टम डेटाबेस सर्विस डॉट कट म्यूजियम, तो ये यही गेट म्यूजियम का डेटा कॉल होगा, यहाँ से हम डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेटा रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, एंड रिस्पॉन्स को हम चेक कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स सक्सेस है, एंड उसके बाद हम उसको जेसॉन आरे में, एंड जेसॉन आरे से हम उसको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट प्रोसेस इज। हम रिस्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को। कम ऑन ब्रो, व्हाट, वेयर आर यू? ओके, रिस्टार्ट करते हैं इसको। अपना एप्लीकेशन हमने स्टार्ट कर लिया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो अंटिल नाउ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम, अगर क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन सामने लाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट नाउ इस सेशन में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है यहाँ पर अभी, और ये रन होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा क्योंकि एम्युलेटर रन हो रहा है, तो उस टाइम तक हम आपके क्वेश्चन ले रहे हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम। सर, जी ये फायरबेस और जो हमने अब कस्टम अब जो बना लिया सर, इसका आपस में क्या मतलब रिलेशनशिप वगैरह आपस में है? और दूसरी बात ये कि ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं कि नहीं? अच्छा, आवाज, आप क्वेश्चन को दोबारा जरा रिपीट करें, और प्लीज जरा तेज बोलें कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझ आ जाए, आपकी आवाज बहुत स्लो है। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था कि इनका दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, और इसके अलावा ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं कि नहीं? अच्छा सही है, दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है उसके बारे में। अब हमारे पास लेट्स सपोज, अगर आपने यहाँ पर स्टार्ट में मैंने बात की थी सर्वरलेस सिस्टम की और सर्वर बेस्ड सिस्टम की, सही है। अब जब हम फायरबेस यूज कर रहे हैं तो उसको हम सर्वरलेस सिस्टम बोलते हैं। अब सर्वरलेस में क्या होता है, वहां पर आपका जो बैकएंड सर्वर है ना, आप खुद नहीं बनाते हैं, वो फायरबेस का जो बैकएंड सर्वर है ना, वो आप ऑटोमेटिकली वहां पे यूज करते हैं, सही है। लेकिन जब हम बड़े एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें हम लेट सपोज स्केल लेवल पे हम अगर हम जाते हैं तो फायरबेस की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि उस लेवल पे हम या फायरबेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फायरबेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे सिस्टम को हैंडल करने के लिए, तो फिर हम जाते हैं कस्टम बैकएंड्स की तरफ, सही है। तो कस्टम बैकएंड में फिर हम क्या यूज करते हैं, कस्टम बैकएंड में हम या पीएचपी का बैकएंड यूज करते हैं, या जेंगो का पाइथन का बैकएंड यूज करते हैं, या जो है ना नोड नोड का बैकएंड यूज करते हैं। तो उस केसेस में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो फायरबेस तो फिर हम यूज नहीं कर सकते ना उस केसेस में, तो देन हम क्या करते हैं, रेस्ट एपीएस के थ्रू हम अपना डेटा गेट करते हैं। तो रेस्ट एपीएस के थ्रू हम कैसे करेंगे, तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना कस्टम डेटाबेस का, कस्टम डेटा का, तो वो उस लिए है। तो दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों को आपस में रिप्लेस बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी इनिशियली आप फायरबेस यूज कर रहे हैं, और फिर आप जो है ना फायरबेस से शिफ्ट हो रहे हैं कस्टम बैकएंड पे, तो आप फायरबेस की जगह जो है ना ये कस्टम बैकएंड का काम फिर करेंगे,
तो दोनों का आपस में जो है ना ये इतना ज्यादा आई थिंक ये जो क्वेश्चन था आपका वो क्लियर है. व्हाट ओके सर, थैंक यू। डज इट से. अच्छा लिस्ट ऑफ डायनेमिक हैज नो इंस्टेंस मेथड टू कॉल. ओके व्हाट डज इट से. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं यहाँ पे अब हमारा जो रिस्पॉन्स आया है उसको रिस्पॉन्स को जरा हम प्रिंट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करते हैं. दोबारा से आते हैं स्क्रीन पे. इसको रिस्टार्ट करते हैं दोबारा से. ओके ओके सो यहाँ पर कोई इशू आ रहा है. हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है. अच्छा रिस्पॉन्स हमारे पास सही आ रहा है. सही लिस्ट ऑफ डायनेमिक हैज नो इंस्टेंस मेथड कॉल. यहाँ पे इशू है. ओके अभी हमारे पास रिस्पॉन्स था. रिस्पॉन्स असल में यहाँ पे कोई इशू आ रहा है उसको जरा रिजॉल्व करते हैं. रिस्पॉन्स डॉट डेटा. ओके इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास डेटा आ रहा है बट यहाँ पर डेटा को हैंडल करने में हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये छोटा सा इशू आ रहा है. रिस्पॉन्स और डेटा में अभी हम देखते हैं कि अच्छा सही है. ओके गलती हमारी ये थी कि मैंने यहाँ पे वो फंक्शन डाला हुआ था. आई थॉट कि ये हमें थ्रू फंक्शन देगा डेटा. एनी हाउ हमारे पास ये डेटा था ना. डेटा पे हमने स्टेटस कोड भी है एंड डेटा में हमारे पास रिस्पॉन्स और डेटा सॉरी रिस्पॉन्स था. रिस्पॉन्स में हमारे पास स्टेटस कोड होता है और उसके साथ तो डेटा होता है. तो डेटा अभी हमारे पास ये देखें जो डेटा आ रहा है ना ये कस्टम बैकएंड का डेटा आ रहा है. ये देखें ये पूरे जितने भी डेटा है ना ये टाइटल नंबर 7 8 9 10 तक. अब अगर हम यहाँ पे देखें ना यहाँ पे जो कस्टम हमारे पास मॉक एपीआई है इसमें हमारे कितना डेटा है ये देखें 10 10 डेटा है. मतलब 10 यूजर्स का डाटा यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी और ये डाटा हमें वहां पे प्रोवाइड हो रहा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आई होप सो कि जो रेस्ट एपीआई का प्रोसेस है वो क्लियर है कि रेस्ट एपीआई हमारे पास किस तरह काम करते हैं. नाउ हम क्या करते हैं यहाँ पर हमने ये डाटा भी ले लिया है. म्यूजियम्स का डाटा हमने ले लिया है. अब हम नेक्स्ट आते हैं एक और एंड पॉइंट बनाते हैं. यहाँ पर ये तो म्यूजियम्स था ना हम बनाते हैं एग्जीबिशंस के लिए. एंड एग्जीबिशंस के फील्ड में हमारे पास क्या क्या है. एक आईडी है इसको हम रिमूव कर देते हैं. इसको भी रिमूव इसको भी रिमूव. एंड यहाँ पे हम देते हैं उसको हम देखते हैं कि उसके फील्ड्स क्या क्या है. एग्जीबिशन. अच्छा इसमें इमेज यू आर है डेट है टाइटल है एंड एड्रेस है. इसमें भी हम क्या करते हैं इमेज यू आर एल डेट टाइटल एंड एड्रेस. इमेज यू आर एल डेट टाइटल एंड एड्रेस.
इमेज यूआरएल डेट टाइटल एंड एड्रेस। ओके सो दिस इज राइट। इसको हम अपडेट करते हैं एंड देन यहाँ पर भी हम कुछ डाटा जनरेट करते हैं। यूजिंग का डाटा मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा ना डेटाबेस के लिए, तो ये मुझे कितना डाटा प्रोवाइड करेगा, ये मुझे ये डाटा प्रोवाइड करेगा। अब ये देखें, अब ये हमारे पास ये जो मेन जो बेस यूआरएल है वो हमारे पास सेम रहेगा, सही है। अब अगर मुझे एग्जीबिशन का डाटा चाहिए ना, तो मैं रिक्वेस्ट कैसे करूंगा, मैं वहां पे अपेंड करूंगा स्लैश एग्जीबिशन, सही है। मुझे अगर एग्जीबिशन का डाटा चाहिए ना, तो मैं वहां पे क्या अपेंड करूंगा, एग्जीबिशन को अपेंड करूंगा। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सो दिस इज फायर बेस एंड कस्टम बैकएंड हमने काम करना था एंड गेट एग्जीबिशन डेटा। गेट एग्जीबिशन, एग्जीबिशन की लिस्ट होगी यहाँ पर एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायो डॉट गेट, यहाँ पर भी हम एक एंड पॉइंट बना देंगे। फाइनल एंड पॉइंट, एंड डायो डॉट गेट में हम क्या कर देंगे, हम बेस यूआरएल डाल देंगे, बेस यूआरएल एंड उसके बाद हमने एंड पॉइंट कौन सा डालना है, ये वाला जो एंड पॉइंट है ये हमें डालना है। सॉरी, अब इस एंड पॉइंट पे कौन सा डाटा है वो डाटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड होगा। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमें करना चाहिए कि एफ, इस ये क्या होगा, ये रिस्पॉन्स होगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200, तो मतलब हमारे पास सक्सेसफुली है। डॉक्स रिटर्न फ्रॉम कस्टम बैक एंड, सही है। ये हमारे पास क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा यहाँ पे हो गया, इसको हम कर देंगे फाइनल लिस्ट ऑफ जेसॉन अरे एंड उससे हम क्या निकाल लेंगे, रेस्पॉन्स से हम डेटा निकालेंगे कि हमारे पास उसमें जेसॉन अरे आएगा ना, तो ये हमारे पास वो डेटा आ जाएगा। एंड देन जेसॉन अरे को हम इटरेट कर देंगे, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास वो डेटा आ जाएगा एंड सो हाउ इट इज वन। सो ये कस्टम एग्जीबिशंस थे। एंड अगेन यहाँ पर हम क्या करते हैं, होम के अंदर जो हम डेटा गेट कर रहे थे एग्जीबिशन का, तो वो हम क्या करेंगे, ये देखें, इसको फायरबेस की बजाय हम क्या करेंगे, कस्टम कस्टम डीबी सर्विस डॉट गेट एग्जीबिशंस, सही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एग्जीबिशन का डेटा आता है या नहीं आता, इसको हम रिस्टार्ट करते हैं। यूजर्स का डेटा आ गया है, अब हमारे पास एग्जीबिशन का डेटा भी यहाँ पे आ गया है, ये देखो अगर आपको नजर आ रहा हो, ये इतने सारे जो एग्जीबिशन का डेटा है ना, ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें एग्जैक्टली ये प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज गोना वर्क। सो जो आज का जो हमारा जो मेन जो टॉपिक्स थे वो यही थे। रेस्ट एपीआईज पे हमने थोड़ा सा काम किया है एंड रेस्ट एपीआईज पे हमने जो मोस्टली काम किया है वो गेट पे किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना है, यहाँ से हमने क्या, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ से एक म्यूजियम ऐड कर रहे थे ना, तो अभी हम म्यूजियम ऐड करेंगे कहाँ पर, ये जो कस्टम बैकएंड है इस पे जाके हम यूजर ऐड करेंगे, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे एड म्यूजियम है ना, सॉरी एड म्यूजियम का स्क्रीन है, ये हमारे पास कस्टम डेटा बेस है ना, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था एड म्यूजियम, ये
एड म्यूजियम में क्या कर रहे हैं, एड म्यूजियम में हमारे पास म्यूजियम आ रहा है और यहाँ पर हम उसको एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, उसके लिए एक डायोड आउट पोस्ट रिक्वेस्ट होगा यहाँ पर हमारे पास, तो उसको भी देखते हैं। डायोड हमारे पास ऑलरेडी उसका ऑब्जेक्ट ऊपर बना हुआ है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट डायोड आउट पोस्ट, उसको भी हम अवेट करते हैं क्योंकि उसको भी टाइम लगेगा। अवेट डायोड डॉट पोस्ट, तो पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में हमारे पास दो ऑप्शन, दो चीजें होती है, एक हमारे पास जो है ना बेस यूआरएल एंड दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास एंड पॉइंट होगा। सही है, एंड पॉइंट क्योंकि हमने बनाया नहीं है, अगर हमने एंड किस एंड पॉइंट पर जाकर डेटा पोस्ट करना है, म्यूजियम का डेटा है ना, तो म्यूजियम का डेटा अगर आप लोग यहाँ पर देख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, अगर हमने डेटा पोस्ट करना है ना, तो हम किस 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 लोकेशन पे करेंगे, स्लैश म्यूजियम पे करेंगे, स्लैश म्यूजियम का जो एंड पॉइंट है। सो यहाँ पर मैं स्लैश म्यूजियम का एंड पॉइंट डाल दिया है, एंड दिस इज द एंड पॉइंट वी आर गेटिंग, सॉरी। सो ये हमारे पास जो है ना वो एंड पॉइंट है म्यूजियम्स का, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड पॉइंट। अच्छा, इसमें हमारे पास एक दूसरा फील्ड है जिसको हम बोलते हैं डेटा, और डेटा के फील्ड में हम इसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है ना कि म्यूजियम डॉट टू जेसॉन, मतलब इसका डेटा भी हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में ही होगा, तो म्यूजियम डॉट टू जेसॉन कर रहे हैं तो आपके पास ये एग्जैक्टली वही बन जाएगा जो हमने किया था पहले। एंड हम कहाँ पे करेंगे, एड म्यूजियम था ना, तो एड म्यूजियम पे हमने कहाँ पर इसको डेटा को एड किया था, यस फायरबेस डेटाबेस सर्विस था ना, इसको हम बना के इसको हम करते हैं कस्टम डेटाबेस सर्विस, इसको दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं एंड सेव करते हैं। ओके, टेस्ट एंड दिस इज टेस्ट एंड दिस इज टेस्ट अगेन। असल में अच्छा, अब होगा ये कि ये डेटा सेम डेटा वहां पे नहीं जाएगा, सही है, यहाँ पर जो डेटा हमारे पास आएगा ना वो ये सेम डेटा नहीं होगा, वो इसी फॉर्मेट में ही होगा, बट जब एक्चुअल आप एक्चुअल बैकएंड पे डेटा भेजना चाहे ना, तो आप यहाँ पर जो जो डेटा उसको सेंड कर रहे हैं म्यूजियम है ना, ये जो डेटा उसके पास जा रहा है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ से जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली जो आपके पास आपका कस्टम बैकएंड होगा ना, तो उस पर एग्जैक्टली यहाँ से डेटा जाएगा। तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कंफर्म करता हूँ, ओके, एंड देन यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, ये उसने ऐड कर दिया है डेटा। अब हम यहाँ पर मेरे पास पहले 10 थे ना, मैं उसको रीलोड करता हूँ तो ये अभी 11 हो गया होंगे, क्योंकि वहां से हमने एक और म्यूजियम यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये देखें अब म्यूजियम्स की जो तादाद है वो हमारे पास 11 हो गई है। सो दिस इज हाउ इट इज गोना वर्क। सो ये हमारा जो है ना मोस्टली आज का सेशन था। इस पे मैं एक छोटा सा असाइनमेंट पोस्ट करूंगा जो रेस्ट एपीआईज हैं, एंड वो होगा हैकर न्यूज के नाम से, एक हमारे पास है हैकर न्यूज ऐप, तो वही सेम एप्लीकेशन आप लोगों ने दोबारा से रिबिल्ड करनी हैकर न्यूज ऐप। ओके, सो वेयर दैट इज एप्स वेब मोबाइल, ओके नहीं, एक हैकर न्यूज फ्लटर ऐप गिटहब, अच्छा इसका इमेज कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसको इसका मैं आपको वो पूरा सेटअप सेंड कर दूंगा कि इसको आपने कैसे बनाना है। असल में हमारे पास ये जो हैकर न्यूज की एपीआई है ना, ये भी हमारे पास एक रेस्ट एपीआई मौजूद है, हैकर न्यूज एपीआई, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, हैकर न्यूज एपीआई। ये हमें क्या करता है, ये एग्जैक्टली हमारे पास सेम ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, एंड ये हमें ये जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमें ये डेटा प्रोवाइड करता है।
रिजल्ट ओके चले, मैं ये पूरा एक डिटेल असाइनमेंट होगा जो मैं पोस्ट कर दूंगा, ये हैकर न्यूज का होगा, या हमारे पास कोविड-19 का एक एप्लीकेशन बना के कोविड-19 डेटा APIs, मैं कोई ओपन API ढूंढ के ना मैं आपको एक वो तरीका बताता हूँ कि ये किस तरह काम करेंगे इसको। हिस्टोरिक वैल्यूज अच्छा ये देखें, ये हमारे पास है ना, तो ये हमारे पास एक REST API है, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट की है ना, तो ये देखें जितना भी डाटा हमारे पास आ रहा है ना, ये सारा किसका डाटा है, ये हमारे पास एक डाटा JSON फॉर्मेट में डाटा आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना कि ये इसको मैं अगर पोस्टमैन में कर दूँ ना इस रिक्वेस्ट को, तो ये असल में कोविड-19 का डाटा हमारे पास आ रहा है, ये देखें ये हमारे पास कोविड-19 का डेटा है, सही है। इसमें आज आजकल जो है ना यूएस में, ये /US मैंने किए हुए ना, तो यूएस में डेली कितने जो मरीज हैं कोविड-19 के, तो ये हमारे पास एक REST API है, ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को मैं एक UI बना के दे दूंगा, तो वो ये डेटा REST API से उठा के आप लोगों ने वहां पे शो करना होगा। अब ये देखें यूएस में हमारे पास पॉजिटिव कितने हैं आजकल, पॉजिटिव लोग हमारे पास जो टेस्ट हुए हैं ना उसमें इतने लोग पॉजिटिव हैं, इतने हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव हैं जो टेस्ट हुए हैं, हॉट हॉस्पिटलाइज इतने सारे लोग हैं, सही है। तो ये सारा डेटा हमारे पास ओपनली मौजूद है, तो इस डेटा को उठा के आप लोगों ने जस्ट यूज करना है, सही है। अब ये डेट है 2020-12/9, अब ये जो है ना दूसरा डेट है, ये 10 तारीख को जो है ना ये स्टेट्स हैं, ये फिर हमारे पास 11 डेट के स्टेट्स हैं, हमारे पास क्या है 12 है ना, तो कल अगर आप इसको दोबारा इस रिक्वेस्ट को दोबारा से करेंगे ना, तो आपके पास 12 तारीख के जो वो डाटा है वो भी आ जाएगा आपके पास, सही है। तो ये देखें हमारे पास ये, अब ये यूएस का जो कोविड-19 के केसेस है ना, तो उसका डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसी डेटा को यूज करके आप लोग अपना कोविड-19 का एक एप्लीकेशन, कोविड ट्रैकिंग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। पाकिस्तान के भी ऐसे सारे बहुत सारे APIs मौजूद हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं एंड टेस्टिंग के लिए अपने लिए बहुत सारे अच्छे से एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस सेम REST APIs पे इंशाल्लाह मैं एक असाइनमेंट पोस्ट करूंगा इस वीक, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको आप लोगों ने करना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन वी हैव टुडे एंड सी यू अगेन एज वन ऑफ आवर सेशन फॉर दिस वीक इज पेंडिंग एज वेल, सो उसको इंशाल्लाह हम रिपीट करेंगे, कवर करेंगे, सही है। सो इंशाल्लाह ये हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो टेक्निकल चीजों का हमारा आखिरी सेशन होगा, एंड उसमें हम काम करेंगे थोड़ा बहुत स्टेप मैनेजमेंट पे काम करेंगे, एंड उसके बाद हमारा जो फाइनल वीक होगा उसमें हम बिल्ड बिल्ड जनरेट करेंगे, और उसको आपको मैं तरीकेकार बताऊंगा कि आप लोगों ने बिल्ड जनरेट करके आप किस तरह ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे उसको किस तरह अपलोड कर सकते हैं, जो पूरा प्रोसेस है उसको मैं समझाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, अंटिल देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन इज देयर एज वेल, सो योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम आउट देयर एज वेल। So see you again next week. Allah Hafiz. Till then.